पिहोवा में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सरस्वती तीर्थ के पास पहुंचे यात्री अपने अपने तरीके से जता रहे हैं आस्था। 2019 साल का आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखना शुरू हो चुका है। या सूर्य ग्रहण नहीं होगा इस बार, चंद्रमा की छाया सूर्य का पूरा भाग नहीं ढक पाएगी। इस ग्रहण में सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रहेगा। यह ग्रहण धनु राशि और मूल नक्षत्र में होगा। सूर्य के साथ केतु, बृहस्पति और चंद्रमा आदि ग्रह होने से ज्योतिष में इस कल्याणकारी योग का विशेष भाग मिलेगा। भारत में सुबह 8:04 से ग्रहण लगा। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। सूर्य ग्रहण का अगर धार्मिक मान्यता से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण जब राहु का प्रभाव सूर्य देव पर पड़ता है उसके कारण सूर्य ग्रहण लगता है, और ये दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण है और साल का भी आखिरी सूर्य ग्रहण है। इसके बाद 10 साल बाद जो है सूर्य ग्रहण लगेगा। अगर वैज्ञानिक मान्यताओं को माना जाए तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है, और ऐसा माना जाता है भारत हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार कि ग्रहण के दौरान सूर्यदेव को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है, जो यह दर्शाता है कि ग्रहों का असर केवल मनुष्य जाति पर ही नहीं अभी तो देवताओं को भी भोगना पड़ता है। और सूर्यदेव को कष्ट से मुक्त कराने के लिए भक्तजन, यात्रीजन अलग अलग सरोवरों में स्नान करते हैं, अपने अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते हैं ताकि सूर्यदेव को उनके कष्ट से जल्द मुक्ति मिले, क्योंकि यह आखिरी सूर्य ग्रहण है इस दशक का, तो ये लगभग 11:15 तक रहेगा और पूरी दुनिया में ये 1:15 तक या 1:30 तक रहेगा, जबकि भारत में यह 11 समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण का यही महत्व है कि अलग अलग सरोवरों में, खासकर जैसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ ब्रह्म सरोवर तीर्थ पर, स्नेहित तीर्थ पर लोग स्नान करने जाते हैं, अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं ताकि सूर्यदेव को कष्टों से मुक्ति मिले।